उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर के बाद पुरी का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट, जिसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, वो है कोणार्क सूर्य मंदिर। हेलो दोस्तों, मैं शोविक, आपका होस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, द हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट कोणार्क सन टेम्पल। साल 1250 में प्रथम नरसिम्ह देव के द्वारा पुरी शहर से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रभागा नदी के तट पर 26 एकड़ में विस्तृत ये भव्य मंदिर। ये एक लौता मंदिर है जो भगवान सूर्य को अर्पित है। एक और कथा प्रचलित है कि ये मंदिर उससे भी पहले भगवान श्री कृष्ण के बेटे श्याम के द्वारा निर्माण किया गया था। श्री कृष्ण ने जब श्याम को श्राप दे दिया था, उसी श्राप से मुक्ति के लिए श्याम ने भगवान सूर्य का इसी चंद्रभागा नदी के तट पर कड़ी तपस्या की, और फिर जाके सूर्य भगवान ने उनका कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलवाया, और फिर सांब ने उनके लिए ये भव्य मंदिर निर्माण करा था। तो देखिए, क्या सच है क्या झूठ, ये तो स्वयं भगवान ही जानते हैं। इस विचार में आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तीनों मूर्ति देने का दो मतलब, इसको रविन्द्र ठाकुर लिखा है, मैम है जो डिफिकल्ट बाय लैंग्वेज, हिंदी का अनुवाद जीत गया पत्थर, पत्थर मूर्ति बात करते हैं। कैसा बात करते हैं, ये आदमी हो गया भरत राजा, किसी का नाम लेके कंट्री का नाम बोलते, भारतवर्ष का सनातन धर्म, सनातन धर्म को बीच में डाउन किया था बौद्ध धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, बौद्ध से बोला गया एलिफेंट, सनातन धर्म नीचे बौद्ध को डाउन हो गया, कौन किया नहीं हिंदू धर्म, हिंदू में सिंबल हो गया दुर्गा भगवान से। ओके, दूसरा मतलब, शेर बोलते ताकत, हाथी बोलते पैसा, पैसा और ताकत ये दोनों चीज एक मनुष्य का पास होने से गमट अहंकार सृष्टि करते हैं, हाथ में लास्ट प्रेशर डाउन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं। ये मंदिर साइंस और कला का एक अद्भुत मिश्रण है। ये मंदिर एग्जैक्टली सूर्य देव के रथ के समान प्रतिरूप है, जहाँ 24 पहिए दर्शाता है दिन के 24 घंटे को या फिर साल के 12 महीने को, और जहाँ 7 घोड़े दर्शाता है एक सप्ताह के 7 दिन को या फिर इंद्रधनुष के 7 रंगों को। आप लोग जब ये 7 घोड़े को कंट्रोल करेंगे ना, कोई भी कंट्रोल करेगा वही होगा भगवान, इसके पास में वो 7 चीज होना चाहिए, धर्म सत्य न्याय प्रेम करुणा मैत्री एंड पवित्रता, ये 7 चीज जिसके पास में होगा ना वही मनुष्य होगा राम जी। जय श्री जगन्नाथ। साइंस से लेस ये मंदिर खुद में ही एक एंशियंट क्लॉक है, जहां आप मंदिर में बने पहियों पर सूर्य के परछाइयों से एकदम सटीक अंदाजा लगा सकते हैं समय का। देखो ये पहिया को बोलते हैं सूर्य की घड़ी, मैं आपको इसको आराम से दिखाता हूँ, हर एक पहिया के अंदर में 8 लाठी अष्टप्रहर, जब सुबह से सूरज निकलेगा उनकी परछाई वो लाठी तक आएगा, इसका लाइट आएगा, उनकी परछाई यहाँ गिरने से शुभेच्छे, जब सूरज धीरे धीरे ऊपर चलते रहेगा यहाँ तक आएगा 9, सूरज मत्था का प्रमुख परछाई यहाँ तक आएगा 12, पीछे चलेंगे 3 शाम को 6, यहाँ से 60 बॉल है, एक बॉल हो गया 3 मिनट, 60 बॉल 180 मिनट। देखो अभी फिर से बोलिए, इतना जल्दी बोला सब गड़बड़ हो गया भैया। भैया हर एक बात मैं या इस तरह आइन तोड़ रहा हूँ, फिर भी आप तक मेरा छावा का देखो, आप देख रहे हैं छावा, आप देख रहे हैं, बस यही था ना, यही से गिन रहा हूँ यहाँ तक कितना बॉल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, यहाँ तक 20 हो गया, एक बॉल 3 मिनट, 20 बॉल कितना हो गया 60 मिनट, 60 मिनट 6, 7.5, 9, 60 मिनट मीन्स एक घंटा, मैंने पक्का एकदम 10 बात रहे लोकल टाइम, देख लो गाड़ी। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था, ये मंदिर एक ज्ञान का भंडार है जो एक ह्यूमन लाइफ साइकिल को सटीक रूप से दर्शाता है।
अगर हम मंदिर के दीवार की तरफ नज़र दें तो हम देखेंगे कि ह्यूमन साइकिल्स को चार भागों में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे मंदिर के एकदम नीचे की तरफ एक इंसान जब बच्चा होता है तब वो पशु पक्षियों के साथ खेलता है, इसीलिए एकदम नीचे कुछ पशु पक्षियों के रूप खुदाई किया गया है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तब वो कुछ कला सीखता है जैसे नृत्य, फिर जब वो थोड़ा और बड़ा होता है जीवन में आता है काम, प्रेम का वासना। ऐसे ही जीवन के चारों साइकिल्स बहुत ही अच्छी तरह से पत्थर मुझे क्या बोलते हैं, नहीं ये कहानी क्या है, इसका नाम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का आश्रम है, आदमी को ज्यादा उम्र हो जाते हैं घर छोड़ के जब वानप्रस्थ आश्रम जाता ना कभी रिटर्न आता नहीं, वो माई जा रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम। बहू क्या करता है ना, सांस को पान छू के प्रणाम दे रहे हैं। माई क्या करे, अपना बेटा को लास्ट में आशीर्वाद कर रहे हैं। जो पोता होता है ना वो पीछे से टांग को खींच रहे हैं, नानी मत जा, इसको बोलते पत्थर की भाषा है ना। यही होता है गर्भगृह, मेन टेम्पल सूर्य मंदिर। ये मंदिर इनसे 100 फीट और ज्यादा ऊंचा था, ये टूटने का बाद में भी 90 फीट है, 140 फीट टूट गया। ये जब टूट गया इसको बचाने के लिए बंद किया है, अरे भगवान को निकाल के यहाँ लगा दिया। ये जो काले वाला ग्रीन ग्रेनाइट का पत्थर का देख रहे हैं ना, ये था सूरज भगवान, ये प्रभास सूर्य। प्रभु जी सुबह से नहाने के बाद में चूल को कपड़ा से बंधी हुए, थोड़ा बच्चा जैसा हंस रहे, अब आप थोड़ा गंभीर होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं युवक। अस्तगामी सूर्य, प्रभु जी घूम घूम के थक गए हैं, जैसा घोड़े के बने बैठ के घर पर चल रहे हैं। बच्चा, युवक, वृद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सूर्य बोलते हैं सकल शक्ति का आधार, सूर्य से बड़ा कोई नहीं है। द्वापर में सूर्य, त्रेतय में सूर्य, सत्य में सूर्य, अभी भी। मैडम कितना पत्नी है सूर्य का? दो पत्नी। पहला पत्नी होता है छाया, एक लड़का शनिदेव। दूसरा होता है संज्ञा, एक लड़का एक लड़की, जिसका नाम था जमराज, लड़का नाम था जमुना। वही मंदिर खत्म हो गया, इसके अंदर कोई मूर्ति वगैरह कुछ नहीं। अच्छा मैडम सही बात है, दो पत्नी है? हाँ जी। नहीं, एक ही पत्नी है, उसका छाया था। एक ही पत्नी है, एक ही पत्नी है, दो रूप लिया। इसलिए ना जब शनि पहले जमे हुआ देखेंगे, शनि का शरीर जला हुआ ये सर, तब माया बोला, छाया बोला नहीं और तेरा पास में जाऊंगा नहीं। कभी जाते हैं तो वो माया का रूप लेके, तांत्रिक रूप लेके जाते थे, तब वहाँ जमराज और जमुना। ओके, बिल्कुल जगन्नाथ जी दर्शन हुआ। नहीं हमने देखा है बहुत सारे जगन्नाथ देखो, बहुत सारे मूर्ति है, पर जो मेन है जहाँ पर गए थे भद्रा बलराम और कृष्ण जी। चलो ये श्लोक क्या झूठे, श्री गुरु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में चतुर्था मूर्ति। चतुर्था मूर्ति में चार मूर्ति, गीता तो बोलते चार, फिर आप क्यों बुलाते हो? ये तीनों जो है ना, जो तीनों का बोलेगा जगन्नाथ जी बलराम, जब आप लोग कुछ मांगेगा ना वो बोलेगा तू मुझे थप्पड़ लग गया। आप पूछेंगे प्रभु जी मैंने मांगा, आपने क्यों बोला थप्पड़? वो बोलेगा खो तेरा आंख से देख रहे, मेरा हाथ नहीं है, फिर मांग रहे हैं क्यों? अपना दिल की बात किसी को नहीं बताया, जब उनको बोलेगा बोला दोबारा थप्पड़ लगा, देखा मेरा कान नहीं सुनता ही नहीं, आप गड्ढा में गिर जाएंगे। ये मनुष्य को बोलेगा, वो बोलेगा मेरा टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ तू पड़े रहो। जब उनको बुलाएगा जगन्नाथ जी को, वो बोलेगा देखा मेरा टांग नहीं है। चले हुई इस गॉड बेटा, बोला भगवान कौन है? ऐसा भगवान मेरा बात सुनेगा, मेरा बात सुनेगा, मुझे देगा, मेरा छोटा से लेके बड़ा बात सब मानेगा, वो कौन है? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए भी रहता है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि असली भगवान कौन है, हु इज द रियल गॉड। वीडियो की अंत में तो मैं बता ही दूंगा। तो और एक बात, मैं बंगाली हूँ और इसी डेस्टिनेशन पर मिले दो दोस्त ने मुझे, जो पंजाब से आए थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि वीडियो हिंदी पे बनाइए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। तो कमेंट में जरूर बताना कि एक बंगाली का कोशिश आपको कैसा लगा, जरूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, जो बताया सो बताया, जो नहीं बताया वो शायद किसी और वीडियो में बताएंगे। क्या चाहते हैं आप नए देखना, जरूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। पानी पीएंगे, बहुत बहुत प्यास लग रहा है, बहुत गर्मी है, ये देखो पसीना पसीना हो गए हैं।
और हम हिंदी में क्यों बोल रहे हैं वो हमें भी पता नहीं है, तो ठीक है चलो लेट्स चेंज इन द बेंगली। खुद जी कौन चाकाटा फाका आसे हमरा सेई जगह छवि तुलब सबाई कोनार के आसलम चाकार साथे जदि छवि ना तुललम ताहले की करलम। यस ऐसे ही बहुत सारा व्लॉग्स बंगाली में ज़रूर आएगा, इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो पर, और ज़रूर से बताना कि ये वीडियो